Hello students, welcome back to the part 3 of commercial policy instruments. So, I just hope students आपने अभी तक जो topics हमने cover किए हैं वो सारे revise कर लिए होंगे. तो अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको tariffs के बारे में, quotas के बारे में, चाहे non-tariff barriers हो, tariff barriers हो, ये सारे concept मैंने आपको clear कर दिए. जैसा कि मैंने last part में कहा था कि अगले part में हम discussion करने वाले हैं जो remaining topic है उनके बारे में, जिनमें सबसे पहला जो हमारा starting है वो किससे होने वाला है, कार्टल से. तो पहले बात करते हैं इंटरनेशनल कार्टल क्या है. तो उससे पहले आप ये समझे दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टल. ओके, तो स्टूडेंट देखो कार्टल का मतलब होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं. मान लो एक छोटे से एग्जांपल से समझो, फिर इसको कंट्री लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे तब अप्लाई करेंगे. आप एक एग्जाम्पल हो, आप जिस भी एरिया में रहते हो, ठीक है, वहां पे क्या है, आपको पता होगा कि आजकल कोचिंग सेंटर्स का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, अनडाउटली, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ इंडिया की परचेजिंग पावर भी डे बाय डे बढ़ती जा रही है. ठीक है, क्योंकि जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन होता है तो ऐसे में आप किसी भी तरह का बिजनेस करें, इफ आपका प्रोडक्ट ठीक है, अच्छी क्वालिटी का है, तो इवेंचुअली यू विल गेट कस्टमर्स. तो इस टाइम पे इंडिया अपने आप में इतना ज्यादा बड़ा इकोनॉमी बनता जा रहा है परचेजिंग पावर के मामले में, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट ना भी करें ना स्टूडेंट्स तो भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी हमारे देश की ऑलमोस्ट. सो 140 करोड़ में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप ये सोचो कि अगर हर महीने आपके 10,000 यूनिट, मैं बहुत कम बात कर रहा हूँ, 140 करोड़ में हर महीने 10,000 यूनिट आपका बिकता जाए ना, तो भी आप कोई सा भी बिजनेस करो ना तो वो भी सक्सेसफुल है, राइट. ठीक है, तो अब कोचिंग सेंटर का बिजनेस जो है बढ़ता जा रहा है. अब मान लो, अब लेकिन आपको एक बात भी पता है, आप जिस भी एरिया में रहे हैं वहां पे कोई हो गया, ऐसे दो तीन टीचर्स होंगे जो अकाउंट्स के लिए फेमस होंगे, मे भी हो सकता है कोई एक ही टीचर हो जिनकी ऑलमोस्ट मोनोपोली हो, एरिया में मोनोपोली पावर एंजॉय कर रहे हो, तो दो तीन हो सकते हैं. सिमिलरली ऐसे ही दो तीन जो होंगे इको के टीचर्स रहे होंगे, ऐसे ही कुछ फिजिक्स के लिए किसी का नाम होगा, किसी के लिए केमिस्ट्री का नाम होगा, किसी का बायो में नाम होगा, किसी का मैथ्स में नाम होगा, है ना, ऐसे करके कुछ टीचर्स होंगे. लेकिन स्टूडेंट क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ यही टीचर्स हैं जो उस एरिया में अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. ये तो हैं, लेकिन इनके अलावा और भी लोग हैं जो उस मार्केट में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो अच्छा पढ़ाए चाहे वो बुरा पढ़ाए, लेकिन अपने लेवल पे वो जितना आता है वो तो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. होता क्या है, अब ये टीचर जिन जो एक्चुअली में आपको क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं, जो आपकी क्लास को लेने से पहले खुद एक हर बार अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को प्रिपेयर करना, हर बार क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना, जो हर बार इस तरह की चीजें कर रहे हैं, राइट. तो ये टीचर्स जो होंगे, ये टीचर्स की जो संख्या होती है वो हमेशा कम ही मिलेगी, राइट. लेकिन क्योंकि मार्केट में और भी टीचर्स हैं, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छा खासा कंपटीशन क्रिएट हो जाता है. क्योंकि आजकल मैं ये देख रहा हूँ, आसपास हर जगह ये देख रहा हूँ कि लोग 12th पास करते हैं, ग्रेजुएशन में आते हैं, वो ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देते हैं. ट्यूशन पढ़ाने में कोई बुराई नहीं है, अपने खर्चे निकालने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, लेकिन आप छोटी क्लासेस से शुरू करो. आप 12th पास आउट हो, आप ग्रेजुएशन में आ गए हो, आप ठीक है फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास से शुरू करो, क्योंकि उस क्लास पे आपका कमांड अच्छा होगा. देखो एक्सेप्शन हमेशा एक जगह पे होते हैं, हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट इसको पर्सनल लेके ये बोले कि सर नहीं, मैंने तो 12th करी और मेरा अच्छा कमांड है. देखो इस तरह के परसेंटेज की बात हम हमेशा नहीं करते, हम हमेशा बात करते हैं जनरली क्या होता है. तो जनरली आपका इतना बड़ा कमांड 12th करते ही आपके सब्जेक्ट पे नहीं आ सकता, पढ़ना अलग होता है स्टूडेंट्स और पढ़ाना हमेशा अलग होता है. कोई भी स्टूडेंट आपसे कुछ एक्स्ट्रा पूछ लेगा, आपकी खुद की नॉलेज 12th तक कन्फाइंड है, तो आप आगे उसे कहां से एक्सप्लेन करेंगे, राइट. ठीक है, तो अब ये आते हैं, इनको लगता है कि भाई इजी पॉकेट मनी है, क्योंकि देखो अगर आप 1,000 रुपीज भी चार्ज करो, जो मिनिमम आपको हर जगह ऑलमोस्ट इस टाइम पे, मैं अगर दिल्ली की बात करूं तो आपको 800,000 रुपए हर सब्जेक्ट का, इजिली एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा. तो अगर मान लो ये लोग ये सोचते हैं कि चलो कॉलेज के बाद वापस आएंगे, शाम को 2 घंटे भी पढ़ा लिए, 5-5 बच्चे, टोटल 10 बच्चे भी हो गए, महीने का 10,000 बन गया, कहीं जाएंगे कहीं से आएंगे, कुछ नहीं होने वाला, है ना, क्योंकि आना किराया, जाना का किराया, फिर कौन काम देगा आधे टाइम के लिए, कौन नहीं देगा, तो इजी मनी के चक्कर में खुल गए. अब हो क्या रहा है, ये टीचर जिन लोगों ने इतने सालों से एफर्ट्स दिए हैं, एंड उसकी वजह से इनकी मार्केट वैल्यू वर्थ जो होनी चाहिए वो पर आवर में ज्यादा होनी चाहिए, इनकी फीस ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये कॉम्पिटिशन की वजह से इनकी प्राइसेस हो गए कम.
ठीक है, तो अब आप समझ रहे हो कि कितना मुश्किल होता होगा इन टीचर्स को, कि पहले बेचारे इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, आपके कंटेंट क्रिएशन के लिए मेहनत करते हैं, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट तैयार करते हैं, और एट दी एंड पता ये चलता है कि ये छोटे मोटे कॉम्पिटिशन की वजह से इनको कॉम्पिटेटिव प्राइस अपना रिड्यूस करना पड़ता है। ऐसे में एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो अच्छे अच्छे टीचर्स है उन सबने क्या किया, आपस में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, ठीक है, चाहे वो दो अकाउंट्स के अच्छे टीचर हो उस एरिया के, चाहे वो तीन हो, चाहे वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के, ये तीन चार मिले, इन्होंने एक बढ़िया मीटिंग कंडक्ट करी। मीटिंग में इन्होंने ये डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, आप अपना अलग इंस्टीट्यूट चला रहे हो, मैं अपना अलग इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, मैं अपना अलग चला रहा हूं, ये सब बंद कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे हमारे पास क्राउड जो है वो लिमिटेड ही आ रहा है। लेट्स डू वन थिंग कि हम क्या करते हैं, ये अलग अलग इंस्टीट्यूट खोलने की जगह हम एक कलेक्टिवली एक ही इंस्टीट्यूट को ओपन कर लेते हैं सब लोग मिलकर के, ठीक है। तो बात आएगी कि भाई इसका फायदा क्या, इसका फायदा स्टूडेंट्स ये होने वाला है कि जब आप एक ही इंस्टीट्यूट को स्टार्ट कर लोगे तो इसमें अब क्योंकि सारे अच्छे टीचर एक ही जगह पे मिल गए हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे में कोई भी स्टूडेंट फिर बाकी किसी भी सेंटर के पास पढ़ने नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है अकाउंट्स की जितनी बेस्ट फैकल्टी है वो सारी यही आ गई है, इकोनॉमिक्स की सारी बेस्ट आ गई है, फिजिक्स की सारी बेस्ट आ गई है, ठीक है। और अगर सारे बच्चे एक ही इंस्टीट्यूट पे आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये सिर्फ अकेले जो अकाउंट्स के टीचर थे वो सबको डील नहीं कर पाएंगे, कितने ही बैच ले लेंगे वो। अब एक बैच में 100 बच्चे 11 ट्वेल्थ में पढ़ाना समझदारी तो है नहीं, क्योंकि वो तो फिर स्कूल से ज्यादा क्राउड कर लिया। 11 ट्वेल्थ में मेरी समझ ये कहती है कि आप अगर बैच में पढ़ाते हैं ट्यूशन टीचर के तौर पे तो 20-25 बच्चे बहुत है, क्योंकि उसके स्कूल में ही 35-40 बच्चों से परेशान होकर के तो वो ट्यूशन पढ़ने आया। अब आप ट्यूशन के अंदर भी 60-80 बच्चों का क्राउड लेकर के बैठ जाओगे तो दिक्कत होगी। तो इट वुड बी अ बेटर आइडिया कि आप 20, ये मेरा ओपिनियन है, मैं किसी भी कोचिंग सेंटर किसी भी को पर्सनली बोल रहा है, मेरा ओपिनियन है। सो 20-25 है तो दैट इज ओके, तभी तो समझ में आएगा, थोड़ा तो अटेंशन दे पाओगे स्टूडेंट को आप। तो अगर एक अकेला टीचर देखे तो वो सारे क्राउड को कैटर नहीं कर सकता। अब क्योंकि सारे टीचर एक जगह मिल गए तो उनको पता है बच्चे यहीं पे आने, तो इसका फायदा क्या हुआ, अब चाहे वो दो टीचर थे या तीन टीचर थे, लेकिन सबके अकाउंट्स के बाद अब क्या हो जाएंगे, फुल। क्योंकि पहले ये जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट थे इन पे भी बच्चा जा रहा था, अब नहीं जाएगा वो, अब सारे के सारे टीचर एक ही जगह मिल रहे हैं उसको। अगर उसको अकाउंट्स पढ़नी है, कॉमर्स स्ट्रीम से है तो अकाउंट्स पढ़ेगा, इको पढ़ेगा, बीएसटी पढ़ेगा, मैथ्स पढ़ सकता है, ठीक है, तो ये सारे एक ही जगह पढ़ने लग जाएगा। सिमिलरली साइंस स्ट्रीम में मेडिकल से है, नॉन मेडिकल से एक ही जगह पढ़ लेगा। ह्यूमैनिटीज के जो मेन सब्जेक्ट्स है लाइक मान लो पॉलिटिकल साइंस बच्चे कई बार पढ़ लेते हैं, और जो मेरी नॉलेज कहते हैं साइकोलॉजी कई बार बच्चे ट्यूशन ढूंढ लेते हैं, तो एक ही जगह। तो आप समझ रहे हो इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे फायदा ये हो रहा है कि उसको कलेक्टिवली एक ही जगह पे the person is getting each and every benefit, so this is the main added advantage. तो ये सबसे important क्या है student, ये सबसे ज़्यादा important चीज़ हो जाएगी हमारे पास यहाँ के लिए, आप समझ रहे हो। तो हुआ क्या कि अपने आपस के competition को खत्म करके एक organization बनाना, उस organization, अब सवाल ये आता है कि कौन कितने बच्चे पढ़ाएगा, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए हर बंदे ने एक इन्वेस्टमेंट की होगी। आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट है तो आप पढ़ते हो पार्टनर्स कैपिटल, मेरे को याद नहीं आ रहा वो पार्टनर्स कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करेंगे परसेंटेज, उसके अकॉर्डिंग तो जो जितने ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका आउटपुट उतना ही ज्यादा रहेगा, जो कम इन्वेस्ट करेगा उसका आउटपुट कम रहेगा, मतलब उसको उतने कम बच्चे दिए जाएंगे। तो जितना तुम्हारा इन्वेस्टमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। तो हर एक के पास क्या हो गया, हर एक के पास अब अच्छा क्राउड आ गया, और अब दे कैन कंट्रोल द आउटपुट, क्योंकि अब तो सारा इनके पास ही आ गया, साथ ही साथ दे कैन कंट्रोल कंपेरेटिवली हायर प्राइसेस। आई एम डैम श्योर स्टूडेंट आपने अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 में, अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 के अंदर कार्टेल्स के बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा, मोनोपोली कंपटीशन के अंदर, नहीं तो ऑलिगोपॉली में आपने डेफिनेटली इसको पढ़ा होगा, राइट। हाँ, ऑलिगोपॉली मार्केट में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, जिसमें आपने दो कार्टेल्स के बारे में इनफैक्ट ग्राफ भी पढ़े होंगे, ओपेक कार्टेल और सीपेक कार्टेल। डॉक्टर दीपाश्री के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया ओपेक और सीपेक कार्टेल के बारे में, राइट। तो इससे होगा क्या कि जब आप ओपेक से पहले की, अगर मतलब कार्टेल से पहले की फॉर्म थे तो आपका आउटपुट भी लो था, प्राइसेस भी लो थे, बट जब आप कार्टेल बनाने के बाद मार्केट में उतर के आए हैं, नाउ यू आर प्रोड्यूसिंग कंपेरेटिवली हाई आउटपुट एज वेल एज नाउ यू आर गेटिंग अ हायर प्राइस देन अर्लियर। So this is the biggest advantage, क्योंकि आप ये छोटे मोटे कॉम्पिटिटर्स को बिल्कुल मार्केट से खत्म कर देते हो, तो जब कॉम्पिटिशन बचा ही नहीं तो आप
अकेले राजा की तरह काम करते हो, इसीलिए क्योंकि ये एंटी कंपटीशन में चला जाता है। इसलिए अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करता हूं तो वहां पे जो कार्टेल का कॉन्सेप्ट है इसको बैन कर दिया गया है। यूएसए के अंदर कार्टेल जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज मिल करके आपस में ही सारी चीजें कर लेंगी तो छोटी कंपनीज कभी ग्रो कर ही नहीं पाएंगी, तो इसलिए यूएस के अंदर कार्टेल जो है वो बैन है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं कार्टेल के बारे में, फिर कौन सा फेमस कार्टेल है वो तो डेफिनेटली पढ़ना ही हमें। सो कार्टेल इज द मेथड बाय विच फर्म्स इन एन इंडस्ट्री ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट आउटपुट इन ऑर्डर टू रेज प्राइसेस एंड प्रॉफिट लेवल्स बाय वे ऑफ कोल्यूजन और म्यूचुअल एक्शन। सो ये कोल्यूजन वर्ड कहां से आया, आप याद करें, जैसा कि मैंने कहा इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो आप लोग तो आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कोल्यूसिव ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली के दो पार्ट होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, प्योर इम्प्योर कोल्यूसिव और नॉन कोल्यूसिव। सो कोल्यूसिव का मतलब क्या होता है, जो आपस में कॉपरेट कर लेते हैं कि भाई आउटपुट के लिए साझा कर लेते हैं, कंपटीशन करते रहेंगे प्राइस पे, मैं भी प्राइस कम करूंगा तू भी प्राइस कम करेगा, फायदा लाभ किसी को नहीं, ना तुझे लाभ ना मुझे लाभ, कोई फायदा नहीं है। तो इससे बेटर क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा कि हम दोनों प्राइस में कॉम्पिटिशन करें ही ना। ठीक है, ओके। कार्टेल्स आर इलीगल एज दे अवॉइड कॉम्पिटेटिव एक्टिविटी बट इट इज डिफिकल्ट टू गवर्न दीज ऑर्गेनाइजेशंस। द रीजन फॉर दिस इज द डिसएलोकेशन ऑफ द फर्म्स और पार्टीज टू कार्टेल विच कैन नॉट बी बाउंड अंडर सिंगल लॉ ऑफ लैंड, राइट। क्योंकि थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे अभी आप आगे पढ़ोगे, जैसे ये ओपेक की बात कर रहा है, अब ओपेक में इन्होंने 5 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज दिया, लेकिन ये गलत है। हाँ, मतलब स्टार्ट इन्होंने किया था, बट अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो प्रेजेंटली ओपेक कार्टेल के अंदर, मैंने कहा ना दीपाश्री में आप डेफिनेटली पढ़ोगे, आप पढ़ा होगा आपने, 12 कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट प्रेजेंट टाइम में कार्टेल की मेंबर। 5 ने शुरू किया था, 12 कंट्री मेंबर है। तो आप समझ लो हर कंट्री का जो लैंड ऑफ लॉ है वो क्या होता है, अलग होता है, ठीक है, लॉ ऑफ लैंड सॉरी। तो लॉ ऑफ लैंड हर कंट्री का अलग है, तो अगर अलग है तो उसमें कैसे गवर्न कर दोगे सबको एक ही लॉ के अंदर कि भाई तुम कार्टेल फॉर्म नहीं कर सकते, इससे थोड़ा मुश्किल होता है। सो इंटरनेशनल कार्टेल इज एन एग्रीमेंट बिटवीन सप्लायर्स organizations or governments to restrict output and competitive activity for maximization of profit, right? Output restrict कर देना, ये country इतना ही output देगी, इतना ही। अब जब तुम out देखो, student एक बात समझो, price को देखो, यहाँ पे एक word में लिख रहा हूँ price, ठीक है, या फिर normal sense में कई बार हम price की जगह rate बोलते हैं, ना बहुत सी चीजों की जगह आप जाते हो क्या rate है, क्या rate है, तो rate is nothing but price, जो fees आप मुझे pay कर रहे हो वो price है ना, या फिर जो रेंट आप पे कर रहे हो वो बिल्डिंग का प्राइस है, क्योंकि बिल्डिंग को हायर करोगे तो उसका एक प्राइस होगा। आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो किसी से बोरोइंग करने पर, तो जो इंटरेस्ट पेमेंट आप बोरोइंग के ऊपर करते हो वो भी एक प्राइस है, राइट। तो प्राइस इज नथिंग बट रेट, राइट। तो देखो प्राइस क्लियर हो गया आपको क्या है। अब मैं प्राइस के ऊपर बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो स्टूडेंट एक बात है, देखो मोर देन 95% ऑफ द केसेस के अंदर अगर प्राइस को इम्पैक्ट करना है या आप कहीं पे प्राइस इम्पैक्ट होता हुआ देख रहे हो तो समझ जाना कि इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो क्या होती है, डिमांड एंड सप्लाई। अदर फैक्टर हो सकते हैं लेकिन अदर फैक्टर का रोल स्टूडेंट बहुत कम होता है, सबसे बड़ा रोल होता है डिमांड एंड सप्लाई का। कैसे, रिकॉल करो जुलाई 2023 उस टाइम पे क्या हुआ था, अगर आपको याद आ रहा हो टोमेटो के जो प्राइसेस थे वो ऑल ऑफ द सडन दैट वेंट शूट अप, बहुत ज्यादा हाई हो गए थे। लाइक अ मैन वाज फ्रॉम महाराष्ट्र, एक फार्मर था महाराष्ट्र से, उसने कुछ करोड़ के आसपास का बिजनेस किया था, किससे, टोमेटो से। कैसे, क्योंकि प्राइसेस वो लाइक 150 और 180 पर केजी तक भी पहुंच गया था। क्यों, क्योंकि सप्लाई साइड में प्रॉब्लम आ गया। तो अगर आप किसी की चीज की सप्लाई को रोक लो, रिस्ट्रिक्ट कर दो, तो आप उसके प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। या मान लो किसी चीज के डिमांड ट्रिगर हो जाए, रिकॉल द एग्जांपल ऑफ कोविड, कोविड में मास्क एंड सैनिटाइजर, जिसको कोई पूछता भी नहीं था कोविड से पहले इंडिया में, तो खासकर उसके प्राइसेस इतने महंगे हो गए। रीजन क्या था, रीजन वॉज वेरी सिंपल कि ऑल ऑफ अ सडन देर वॉज अ स्पाइक इन डिमांड फॉर मास्क एंड सैनिटाइजर, ठीक है। तो जो कार्टेल बनाना होता है, कार्टेल को बनाने का मोटिव भी यही होता है कि किसी तरीके से आउटपुट जो है कंट्रोल कर लेंगे, जो इतने सारे कॉम्पिटिटर्स बैठे उन कॉम्पिटिशन को हटा के हम सब एक ही साथ बन जाएंगे। जब हम सब एक ही साथ आ गए तो हमने आउटपुट क्या कर लिया, कंट्रोल। अब क्योंकि आउटपुट कंट्रोल कर लिया तो नाउ एवरी वन कैन सेल दी आउटपुट एज पर देयर ओन सेटेड प्राइस, ओन जो उन्होंने ओन जो खुद का प्राइस सेट किया उसके ऊपर बेच सकते, राइट। So, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, OPEC was formed in 1960 by 5 oil exporting nations,
एक्टिंग एज फाउंडिंग मेंबर्स इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब एंड वेनेजुएला। देखो स्टार्ट हुआ था फाइव ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन से, बट लेटर अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में आपके पास जो है 12 कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर्स हैं, राइट। आगे द सक्सेस ऑफ दिस कार्टेल लाइड इन द सडन स्पर्ट ऑफ ऑयल डिमांड पोस्ट वॉर ड्यूरिंग अर्ली 1970s व्हिच गेव ओपेक नेशंस अपॉर्चुनिटी टू रेज प्राइसेस बाय कर्बिंग प्रोडक्शन, राइट। सो इन अक्टूबर 1973 गल्फ ऑयल कंट्रीज डिसाइडेड टू सेट प्राइसेस विदाउट कंसल्टेशन विद ऑयल कंपनीज। The price had quadrupled and a second oil shock was set in 1979 to 80, right? So ये OPEC था। अब आगे देखते हैं जरा इसके impact के बारे में, देखो मैं क्या दे रखा है कार्टल के। तो देखो हमें यहाँ पे क्या रखा है कि OPEC nation like effective survival of a cartel requires few firms and a commodity with no close substitute। देखो obviously बात है कि firms थोड़ी होनी चाहिए। अब ऐसा है कि कार्टल में 50 countries है, कार्टल में 50 मेंबर है, तो फिर तो उनमें आपस में झगड़ा ही होता रहेगा। तो जितने कम मेंबर्स रहेंगे उतना ज्यादा कंट्रोल हर एक का ज्यादा रहेगा, और एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हो ही नहीं सकते, लाइक तभी तो ऑयल के केस में शुरू हो पाया। अब ये थोड़ा ना है कि मैं कल को उठूं और मैं ये बोलूं कि ऐसा है जी मैं पेपर के केस में करने वाला हूं, ऐसा नहीं हो पाएगा। कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ही ना हो, राइट। सो इट इज इजियर टू ऑर्गेनाइज द फर्म्स अंडर सच सिचुएशन। Here the changes in price policy of the commodity will not shift the demand as no substitute exists. अगर आप price policy change भी कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि student substitute ही नहीं है। So अगर substitutes नहीं है तो आपके उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, right? So the ability to restrict production or to concentrate productive activity is related to the monopoly power of the organization. This can be seen from the learners index given by लर्नर्स इंडेक्स। स्टूडेंट्स आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है, जो बेसिकली आपसे क्या कहता था कि मान लो कोई भी चीज है, एक मिनट आगे हमें फॉर्मूला, चलो इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि लर्नर इंडेक्स आपके पास क्या कहता है, आई इक्वल्स टू ऑप्टिमल प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस, ठीक है, एंड That will be equal to elasticity. मतलब वो क्या कह रहा है कि जो इलास्टिसिटी है, ठीक है, वो प्राइस के किस में चलेगी, इनवर्स में चलेगी, राइट। अगर आप लर्नर्स इंडेक्स को याद करें, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में लर्नर्स इंडेक्स पढ़ा ही होगा, ठीक है, ये उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, वो कहना चाहता है। आगे का क्या है, दी एबल टू यहाँ पे, सो वेयर इज द डिमांड इलास्टिसिटी फॉर द इंटरनेशनल कार्टेल, द ग्रेटर इज द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड फॉर कार्टेल्स प्रोडक्शन, द लेसर इज द मोनोपोली बेनिफिट और कंसंट्रेशन, इज दैट क्लियर। देखो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सी बात समझनी है कि इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी आपके पास जो मोनोपोली बेनिफिट आएगा वो क्या होगा, कम। क्यों? क्योंकि कोई चीज है जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, मतलब लोग सोच रहे हैं कि चल बाद में भी ले सकते हैं, तो अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो चीज हम बाद में भी ले सकते हैं तो उससे फर्क क्या पड़ेगा कि जो मोनोपोली बेनिफिट आपको होने वाला है, ठीक है, वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपने ये सोचा मैं प्राइस बढ़ा देता हूं, आपने तो प्राइस बढ़ा दिया बट लोगों को उसकी इतनी जरूरत नहीं थी, कहा बाद में लेंगे, पोस्टपोन करते हैं डिमांड को अपनी, ये फर्क पड़ जाता है, राइट। लेकिन अगर कोई ऐसी कमोडिटी है जैसे ऑयल की हम बात कर रहे हैं जिसका सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, जिसकी आपको नीड है, तो एब्सोल्यूट नीड है, यू कांट शिफ्ट, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसे केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, ऐसे केस में आपके पास अगर आप प्राइस को इंक्रीज भी कर दोगे तो लोग डिमांड ज्यादा शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, इन दैट केस योर कार्टेल जो है विल बी मोर बेनिफिशियल। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, जो हमने वहां पे पॉइंट पढ़ा, सो इलास्टिसिटी ऑफ वर्ल्ड डिमांड, अ हायर वर्ल्ड इलास्टिसिटी विल रिस्ट्रिक्ट कार्टेल्स पावर। अगर इलास्टिसिटी ज्यादा होगी वर्ल्ड डिमांड की तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा कार्टेल को, ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट बाय रेजिंग प्राइसेस एज वेल एज शिफ्ट देयर स्पेंडिंग। इलास्टिसिटी ऑफ दिस पॉइंट इज स्टूडेंट, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोड्यूस बाय नॉन कार्टेल मेंबर्स, जो नॉन कार्टेल मेंबर्स प्रोड्यूस कर रहे उनकी क्या इलास्टिसिटी है, तो द लोअर इज दिस इलास्टिसिटी द हार्डर इज फॉर नॉन कार्टेल मेंबर्स टू कम्पीट एंड कार्टेल कैन टेक बेनिफिट। अगर उनकी इलास्टिसिटी बहुत लोअर है, पूछ ही नहीं रहा कोई, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। शेयर ऑफ कार्टेल, कार्टेल का शेयर कितना है पूरे वर्ल्ड में, जैसे अगर मैं ऑयल की बात करूं तो मोनोपोली पावर दी जाती है, उसको मोनोपोली माना जाता है क्योंकि पूरे वर्ल्ड की ऑयल सप्लाई का ऑलमोस्ट 70% के आसपास जो ऑयल सप्लाई है वो ओपेक कार्टेल कर रहा है, तो आप समझ रहे हो मोनोपोली ही होगी, 70% वर्ल्ड का ऑयल कंट्रोल कर रहे हैं वो लोग। सो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द शेयर ऑफ कार्टेल इन द ओवरऑल वर्ल्ड सप्लाई, a greater proportion will create a scope for dominance and higher profit margins. तो जितना ज्यादा आपके पास क्या रहेगा, शेयर रहेगा, तो उतना ज्यादा आपके पास डोमिनेट करने का स्कोप रहेगा, राइट, और उसकी वजह से आपके पास प्रॉफिट मार्जिन भी क्या रहेंगे,
उतने ही ज्यादा हाई रहेंगे, राइट। चलो अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट। ओपेक नेशंस एंजॉयड मोनोपोली बेनिफिट्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट टू द प्रोडक्ट एंड स्मॉल साइज ऑफ कंपीटिंग नॉन कार्टेल सप्लायर्स। दिस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ देयर कार्टेल। अपार्ट फ्रॉम द बेनिफिट्स वन मस्ट नॉट फॉरगेट द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ कीपिंग कार्टेल ऑर्गेनाइज्ड। दे आर ऑलवेज एन इंसेंटिव फॉर अ मेंबर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द कार्टेल और टू डिसीव बाय स्लाइटली रिड्यूसिंग द प्राइस एंड कैप्चरिंग अ लार्जर शेयर ऑफ टोटल सप्लाई। This operation by firms often results in price wars where other members firms opt for a tit-for-tat strategy by slashing their prices to punish the defecting firm. This could be termed as principal rule for survival of firms under cartel. Do unto others as you would have them do unto you. Means, जो आप दूसरों के साथ कर रहे हैं वो आपके साथ होगा। कार्टेल के अंदर देखो, उसने वही बोला है कि बहुत मुश्किल क्या हो जाता है कि कार्टेल के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप टोटल सप्लाई का कितना बड़ा पोर्शन रख रहे हो। तो अगर बाकी लोग भी आप प्राइस आप कम कर रहे हो, वो भी कम कर रहे हो, तो ये प्राइस वॉर क्रिएट करता है। इन 1980s हायर प्राइसेस एंजॉयड बाय ओपेक मेंबर्स इंड्यूस्ड नॉन ओपेक मेंबर्स टू एंगेज इन ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन व्हिच लेड टू सडन इंक्रीज इन सप्लाई एंड अ साइमल्टेनियस रिडक्शन प्राइसेस। अब देखो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि यहाँ पे मोनोपोली वैसे तो फॉर्म की नहीं गई है। देखो, एक मोनोपोली फॉर्म करने का तरीका होता है नेचुरल वेज के थ्रू। नेचुरल वेज के थ्रू मोनोपोली फॉर्म कैसे होता है? जब नेचुरली आपके पास कोई ऐसा मटेरियल, कोई ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो मिल जाएं, ठीक है, जो आपके पास ही है नेचर ने और किसी को देने से, कि हम बात कर सकते हैं कि जो भी आपके पास मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है उनके पास ह्यूज ऑयल रिजर्व्स है, वो नेचुरली है। आप या मैं या दुनिया में कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दूसरा तरीका जो मोनोपोली फॉर्म करने का होता है वो क्या होता है स्टूडेंट? लीगल वेज। अब लीगल वेज से आप कैसे मोनोपोली फॉर्म कर सकते हो? कि बाय पासिंग, लाइक आप क्या करते हो, पास कर देते हो किसी भी तरह का लॉ, है ना। आपने कोई भी तरह का बिल पास कर दिया कि भाई ये चीज का लाइसेंस इन्हीं को दिया जाएगा, तो उनकी मोनोपोली फॉर्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे वो यही कहना चाह रहा है कि ओपेक मेंबर्स के केस में ऐसा कोई लीगल वे तो था नहीं। बाकी जो देश थे उनके पास भी, जिन जिनके पास पेट्रोल था, उन्होंने सोचा अच्छा ये 12 कंट्री मिलकर के क्या कर रही है, अपना अच्छा खासा प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हैं। तो बाकी जो कंट्रीज थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑयल एक्सप्लोरेशन किया, अदर कंट्रीज के अंदर ऑयल्स को ढूंढेगा जिससे कि वर्ल्ड में जो सप्लाई है उसको बढ़ाया जा सके। तो पहले सिर्फ ओपेक लोग कर रहे थे, फिर नॉन ओपेक भी करने लगे जिससे कि कॉम्पिटिशन मार्केट में बढ़ा और प्राइसेस डाउन हो गए, राइट। अदर एग्जाम्पल ऑफ प्राइस कटिंग स्ट्रेटेजी वॉज बिटवीन नॉर्थ वेस्ट वर्सेज कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस कंपनीज which undertook price cutting to offset opponent strategy to capture market share. So OPEC has been successful because of the absence of substitutes. However, cartels are considered to be highly unstable organizational setup. The ability to restrict output and enjoy profits by raising prices due to lower demand elasticity has its implication. वो कह रहे कि stable नहीं होते। देखो stable क्यों नहीं होते, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि student cartels के साथ सबसे बड़ा problem आता है उसके जो members। आप समझ रहे हो, एक मेंबर दूसरे मेंबर से जलेगा कि भाई हमारा आउटपुट रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और इनका आउटपुट तो ज्यादा है तो ये प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं। तो मतलब कोऑपरेशन में रहने के बाद भी जो कंपटीशन की जो इमोशन या फीलिंग डेवलप हो जाती है वो कार्टेल्स की इनस्टेबिलिटी का जो सबसे बड़ा जो है मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करके सामने आता, राइट। चलो आगे में क्या क्या पॉइंट दिए। Frequent price shocks force buyers to look for alternative arrangement. क्योंकि देखो कार्टेल में क्या प्रॉब्लम है कि उनको लगता है भाई अब तो हमारे पास कंट्रोल है, तो जो मर्जी जैसा मर्जी प्राइस हम चार्ज करना चाहेंगे हम करेंगे। तो इसकी वजह से जो बायर्स होते हैं वो ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट देखना शुरू करते हैं कि यार ये लोग तो बहुत महंगे पड़ रहे हैं तो इनको छोड़ दो, हम किसी और को देखते हैं। इट कुड बी ईदर इन द फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग बाय अवॉइडिंग कार्टेल इम्पोर्ट्स और बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट इन ओवरऑल सेंस। सब्सिट्यूशन ओवरऑल सेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो हमें पता है कि हमारी डिपेंडेंसी ऑयल के ऊपर डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से कि ऑयल वाला जो पोर्शन है उसकी जगह पे हम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को जनरेट कर ले। जैसे कि आज आपके डेट में आपको पता है कि आज के डेट में पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं कि हम कैसे भी करके सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो जाए। देखो इंडिया ना एक लाइक हॉट नेशन के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। इंडिया इज नॉट दैट कि हम बहुत कोल्ड, वन ऑफ द कोल्डेस्ट
रीजन्स में से हम नहीं आते, क्योंकि अगर आप एक बात देखो तो लेट्स सपोज अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, तो नॉर्थ इंडिया में अगर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में जो बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है, ठीक है, वहां पे एक पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं कि भाई आपके पास जो क्या कहते हैं थोड़ी बहुत बारिश है और ठंड वगैरह रहती है। और अगर उसके अलावा हम देखें तो हमारे पास ऑप्शंस कहाँ के आ जाते हैं, उत्तराखंड और हिमाचल और कश्मीर, ठीक है, ये तीन रीजन है जहां पे बहुत ज्यादा ठंड है। बट बाकी उसके अलावा पूरे के पूरे कंट्री में आपको अच्छी खासी गर्मी देखने को मिलेगी। तो इंडिया में अबंडेंस ऑफ सनलाइट है, तो सोलर एनर्जी जो है बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, तो ये चीजें करना। फिर नेक्स्ट हमारे पास है हायर प्राइसेस ऑफ कार्टेल एक्सपोर्ट्स विल इंड्यूस नॉन कार्टेल मेंबर्स टू क्रिएट एक्सपोर्ट कॉम्पिटिशन, दिस कैन बी डन बाय रेजिंग फैक्टर इनपुट्स एंड डायरेक्टिंग देम टुवर्ड्स प्रोडक्शन ऑफ कार्टेल प्रोडक्ट्स बाय नॉन कार्टेल नेशंस। तो उनके अलावा देख लेना। सो ये सारे कुछ पॉइंट्स है। चलो अब हमें अलग अलग टाइप्स ऑफ कार्टेल डिस्कस करने हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले सबसे पास पॉइंट हमारे पास जो दिया हुआ है टाइप्स ऑफ कार्टेल्स के अंदर, दैट इज मार्केट शेयरिंग कार्टेल्स। तो अगर हम मार्केट शेयरिंग कार्टेल्स को लेकर के बात करते हैं, पहले मैं अपना पेन चेंज करके, येलो है, रेड ले लेते हैं, रेड लेकिन हाईलाइट होगा, चलो हो जाएगा। सो हियर द मेंबर फर्म्स आर गिवन स्पेसिफिक स्पेशल मार्केट टू ऑपरेट इन, कॉम्पिटिटर्स अग्री इलीगली ऑन लोकेशन इन विच दे विल ऑपरेट एंड द वंस इन विच दे कैन नॉट, दे ऑल्सो डिसाइड टू वेन दे कैन सेल और दे कैन नॉट। तो देखो इसमें क्या है कि जो फर्म्स है उन्हें एक डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल मार्केट दी गई है, मतलब जितनी भी फर्म्स है उनको एक डिफरेंट मार्केट दी गई है। सो कॉम्पिटिटर्स आर इलीगली ऑन लोकेशन इन विच दे विल ऑपरेट एंड दी वंस इन विच दे कैन नॉट, मतलब उनको दिया गया है कि भाई तुम कहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो और कहाँ पे नहीं, ठीक है। अब इलीगली तो देखो आप कहीं पे भी ऑपरेट करो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आप कहाँ ऑपरेट करेंगे और कहाँ पे नहीं, ठीक है। दे ऑल्सो डिसाइड वेन दे कैन सेल और दे कैन नॉट, और इसमें यह भी बताया गया है कि वो कब बेच सकते हैं और कब नहीं। तो मार्केट शेयरिंग मतलब डिपेंडिंग ऑन कि किसने कितना आउटपुट बनाया है उसके अकॉर्डिंग, ताकि किसी को नुकसान ना हो, तो कभी किसी को परमिशन देंगे कभी किसी को। नेक्स्ट है प्राइस फिक्सिंग कार्टेल्स, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्टेल वेयर ऑलिगोपोलिस्टिक फर्म्स डिसाइड द प्राइस टू क्रिएट मोनोपोली प्रॉफिट्स इज कॉल्ड अ प्राइस फिक्सिंग कार्टेल, जो सबसे ज्यादा फेमस है। हियर इलीगल एग्रीमेंट ऑन प्राइस एंड डिस्काउंट्स आर डिसाइडेड फॉर गुड्स और सर्विसेज। तो यहाँ पे सबसे कॉमन टाइप क्या है ऑलिगोपोलिस्टिक फर्म्स का। देखो मैं आपको काफी टाइम से लगातार ये चीज को क्लियर कर रहा हूँ कि जो हम कार्टेल्स की बात कर रहे हैं, ये कार्टेल स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास क्या है ऑलिगोपोली और मार्केट स्ट्रक्चर से निकले हुए टॉपिक्स हैं, राइट। सो यहाँ पे वो कह रहा है कि ऑलिगोपोलिस्टिक फर्म्स जो है वो आपस में डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट आ गया लिमिटिंग प्रोडक्शन, सो हियर कॉम्पिटिटर्स इलीगली अग्री टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू मेंटेन हाई प्राइसेस। यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, इलीगली अग्री टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू मेंटेन हाई प्राइसेस, मतलब वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो अमाउंट जो है मतलब क्वांटिटी जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में समझाया था कि अगर आप सप्लाई या डिमांड में से किसी फैक्टर को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो आप कहीं ना कहीं प्राइस इन्फ्लुएंस करेंगे, तो यहाँ पे वही हो रहा है। लास्ट है कोल्यूसिव टेंडरिंग, सो अ कोल्यूसिव इलीगल एक्शन इज टेकन टू डिसाइड हु विल विन द टेंडर, सो दिस कैन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ऑल ऑफ द अबव रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप्स दे रखे हैं।